खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है। नरवर तहसील के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों के किसानों व किसान संगठन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसान नेता सुघर सिंह रावत, सरपंच इंदरगढ़ के नेतृत्व में आज क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम नरवर तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसानों मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किया जाए, लखमीपुर खीरी कांड में दोषियों को सजा दी जाए, मुफ्त व्यापार समझौता पर रोक लगाई जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए, नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कठोर कानून बनाया जाए, कार्रवाई की जाए, मिर्च, हल्दी व अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय उद्योग का गठन किया जाए, संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए, फसल गिरदावली का काम पटवारी के द्वारा खसरा खतौनी में दर्ज कर समय सीमा में पूर्ण किया जाए, किसानों को गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य 2,750 रुपये दिया जाए आदि की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। ज्ञापन देने वालों में लाखन सिंह बघेल, पूर्व विधायक करेरा प्रागी लाल जाटव, पूर्व विधायक सुघर सिंह रावत, पूर्व सरपंच इंदरगढ़, अजमेर सिंह रजक, जसवंत बाथम पिछला वर्ग ब्लॉक अध्यक्ष, संजय हरसाना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सवईलाल वर्मा, नरेंद्र कुशवाहा, भानु परिहार, सुरेंद्र कोहली जिला पंचायत सदस्य, कल्लू राम कुशवाहा के अलावा सैकड़ों की संख्या में किसान व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। ज्ञापन दिया जा रहा है कि अभी शासन प्रशासन की जो भाजपा सरकार की जो गलत नीति है वो कहीं कहते हैं कोई कुछ करते हैं। साथियों, किसानों का जो 27% की घोषणा की थी वो 2700 रुपये वो 2200 रुपये दिया जा रहा है। मैं सभी लोगों से, शासन प्रशासन के लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि चाहे वो तहसीलदार हो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, हम लोग विधिवत सम्मान के साथ हम लोग किसान की लड़ाई लड़ते हैं और किसान की लड़ाई लड़ेंगे। किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में आज ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये ज्ञापन के बारे में हमने जो कुछ लिखा है वो किसानों के बारे में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को शोषण हो रहा है और इन्होंने MSP लागू नहीं की गई और जो 2700 रुपये गेहूँ का मूल्य निर्धारित किया गया था वो 2200 रुपये दिया जा रहा है। ये किसानों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, झूठ झूठ बोला जा रहा है। किसानों के बारे में उन्होंने कहा था कि हम लोग बिजली का बिल माफ़ करेंगे, वो भी आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा था झूठ बोल के लोग राजनीति करते हैं, उन्होंने कहा था किसानों के हम कर्ज माफ़ करेंगे, वो भी नहीं हुआ। यदि किसानों की समस्या हल नहीं होती है 7-8 दिन के अंदर हम लोग तहसील का घेराव करेंगे। अभी तो शुरुआत है, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ से कहा दिल्ली भोपाल तक हम लोग कूच करेंगे। संबंध में ज्ञापन दिया है, ज्ञापन दिया है कि MSP किसानों के साथ जो है, जो MSP आज तक लागू नहीं हुई, जो उधर जो है हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हमारे हजारों किसान लाठियां खा रहे हैं, लाखों किसान, तो उनकी स्थिति देखते हुए हमने सोचा कि हम भी इस देश के किसान हैं, तो हमने जो ज्ञापन दिया है कि क्या क्या मांगे रखी हैं आपने, इसमें जो है 5 सूत्री मांगे हैं कि MSP, दूसरे जो है बिजली का बिल और गेहूं के समर्थन मूल्य 2700 और इसके बाद सभी प्रकार की हमारी जो मांगे हैं और वो ज्ञापन के माध्यम से हमने उसमें लिखवाई हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसानों की सभी मांगे और दूसरे हमने सरपंचों का 700 रुपया 200 दिन की मजदूरी, जो आज 100 दिन की मजदूरी मिलती है, तो सरपंच के जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनको सिर्फ 100 दिन मिलती है और 221 रुपया उनको मजदूरी मिलती है। हम चाहते हैं कि 221 रुपया में काम करने के लिए लोग तैयार नहीं होते, तो इनके लिए इस देश की शासन 700 रुपया किसानों की तो मांगे हैं, लेकिन सरपंचों की भी 700 रुपया यदि किसान की
अलावा अगर ग्राम पंचायत के मजदूर की रेट हो जाए तो इसमें हम किसान लाचार मोहताज जितने भी लोग हैं, क्योंकि मजदूरी भी किसान ही करते हैं, तो हम सभी मांगों को देखते हुए आज इस तहसील में ज्ञापन दिया। जैसे अभी जो है 4 दिन है, तो वहाँ हरियाणा बॉर्डर पे जो हमारा एक किसान है लक्ष्मी सिंह, उसके जो है गोली लगी है उसके सर में, जो कल तक उसकी लाश सड़क पर रखी रही। तो हमने इस स्थिति को देखकर आज ये ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के बाद हमने सभी प्रकार की अपनी मांग की। तहसीलदार महोदय ने दिया कि हम इसको राज्यपाल के यहाँ भेजेंगे। दूसरे तहसीलदार महोदय ने तो किसान के जो गिरदावली नहीं कराई, क्योंकि किसान कैसी रजिस्ट्रेशन कराएगा। अभी तहसीलदार ने तो गिरदावली ही नहीं कराई, किस खेत में गेहूँ है, चना है, क्या चीज़ है। तो अब हमने उसके बारे में लिखा है कि 7 दिन के अंदर गिरदावली करा दो, नहीं तो फिर हम जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। और हमारी सभी मांगें यदि मांग नहीं हुई तो 7 दिन के बाद फिर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने की बात होंगे। बस मैं इतना ही कहता हूँ।